थर्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सैयद मोहम्मद आमिर। जहां पूरे उत्तर प्रदेश में 108 नंबर, 102 नंबर और एलएस एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है, वहीं प्रयागराज में भी थाना दारागंज अंतर्गत फोर्ट रोड चौराहे के बाद परेड ग्राउंड के सारे एम्बुलेंस EMT व पायलटों ने मांग को पूरा करने के लिए हड़ताल कर दी और प्रयागराज में 108 और 102 आकस्मिक एम्बुलेंस सेवा अचानक बंद कर दी गई है, क्योंकि जीविकी नामक कंपनी द्वारा सेवा के कार्यरत कर्मचारियों को दी जाने वाले वेतन को कई महीनों से न देने का और उनके शोषण करने का आरोप वो लगा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वे विगत कई महीनों से न तो समय अनुसार वेतन मिलता है, वे 8 घंटे से ज़्यादा 16 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है पारिवारिक कार्यों और वो समय अनुसार नहीं कर पा रहे हैं और ना ही परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं। वहीं पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि ये गाड़ियां स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की हैं और जीविक कंपनी कर्मचारियों द्वारा सेवाओं को रोकना अवैध है और उनको इन सेवाओं को बाधित करने का हक जीविक कंपनी को नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग अपने कर्मचारी द्वारा एम्बुलेंस सेवाओं को चलवाया जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवाओं को चलने वाली गाड़ियों आदि को समय पर वहाँ ना पहुँचा पाएंगे तो वहाँ गाड़ियों को किराए पर लेकर सेवाएं प्रदान कराई जाएंगी। और आज हम लोगों को जब बिल्कुल तकलीफ नहीं सहा गया है तब हम लोग रोड के ऊपर उतर आए। अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इसमें जो है जब तक हम लोगों को कोई जो है प्रोजेक्ट, कोई जो है सलाह या नया रूल नहीं दिया जाता है तब तक कि हम लोग संतावना नहीं पाएंगे तो हम लोग हड़ताल से वंचित नहीं रहेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब